नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। ग्यारसपुर, विविध मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ तहसील अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार आर के मेहरा को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि शासकीय कर्मचारियों की रुकी हुई वार्षिक वेतन वृद्धि फिर से प्रारंभ कर एरियर भुगतान किया जाए, साथ ही उन्हें केंद्र के समान महंगाई भत्ता भी दिया जाए। इसके अलावा भी अन्य कई मांगों में इस ज्ञापन में सम्मिलित किया गया है। ज्ञापन देने वालों में संघ के जिलाध्यक्ष परसराम दुबे, संतोष उपाध्याय, नीरज तेनगुरिया, आशीष सेन, संतोष सेन, अभय मालवीय, संतोष मोगिया, कैलाश अहिरवार, महेश चिडार, रघुवीर सिंह चौहान के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भारत माता की है, भारत माता की है। आप लोग यहाँ किस वजह से उपस्थित हुए हैं? हम यहाँ अपनी मांगों के 18 सूत्री मांगों के संबंध में यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी जो है मांगे हैं इस मांगों के संबंध में कोरोना के डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम लोग मतलब कम संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारी जो मांगे हैं उसको अगर शासन मानता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने जिले स्तर या प्रांतीय स्तर पर भी आगे मतलब जो है धरना कार्यक्रम जारी रखेंगे। आपका क्या नाम है? ब्रजेंद्र सिंह लोधी। पद क्या है आपका? तहसील अध्यक्ष हूँ यहाँ का। ठीक है, धन्यवाद। ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।